नीति वचन अध्याय 29 कुल पद 27। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता। ठट्टा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। जब बुद्धिमान मूड के साथ वाद विवाद करता है तब वह मूड क्रोधित होता और ठट्टा करता है और वहां शांति नहीं रहती। हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। अपने बेटे की ताड़ना कर तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता क्योंकि वह समझकर भी नहीं मानता। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। जो अपने दास को उसके लड़कपन से ही लाड़ प्यार से पालता है वह दास अंत में उसका बेटा बन बैठता है। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वाले से घृणा करता है। नीति वचन अध्याय 29 कुल पद 27। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है,
परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा दे।